तीसरे दौर के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, एक घंटे में 35 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, 18 साल से ऊपर हर किसी का वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही सर्वर में दिक्कत, थोड़ी देर के बाद शुरू हुआ सर्वर। सीरम इंस्टीट्यूट ने कम किए कोविशील्ड के दाम, राज्यों को अब 400 रुपए की जगह 300 रुपए में मिलेगी वैक्सीन। आधार पूनावाला ने ट्वीट कर दी जानकारी, पीएम मोदी के अपील पर कम की कीमत। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। रूस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच फोन पर हुई बातचीत, पुतिन ने पीएम मोदी को हर संभव मदद का दिया भरोसा। पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी का, द्विपक्षीय वार्ता पर हुई चर्चा, पीएम मोदी ने दोस्त पुतिन की मदद के लिए कहा शुक्रिया। सूत्रों के मुताबिक देश में 1 मई को मिलेगी स्पुतनिक वैक्सीन, आज 2 विमान से भारत पहुंच रहे हैं स्पुतनिक वैक्सीन। ऑक्सीजन की किल्लत पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदेगी। पीएम केयर फंड से खरीदे जाएंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, उच्च स्तरीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने लिया फैसला। दवाओं की कालाबाजारी पर हाईकोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कालाबाजारी क्यों हो रही है। हाईकोर्ट ने कहा सही तरीके से दवाओं की सप्लाई नहीं हो रही है, बहस के दौरान कालाबाजारी पर एक वकील ने आंख में आए आंसू। दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन की कमी पर केंद्र से पूछा सवाल का, 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कब मिलेगा। हाईकोर्ट ने कहा दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही ऑक्सीजन, कोर्ट ने कहा कालाबाजारी पर हम कुछ करेंगे। डिप्टी इलेक्शन कमीशन सुदीप जैन के खिलाफ शिकायत दर्ज, टीएमसी उम्मीदवार की पत्नी नंदिता सिन्हा ने दर्ज कराया केस। कोरोना काल में चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों की सुरक्षा से खिलवाड़ का लगाया गया आरोप, कोरोना की वजह से टीएमसी उम्मीदवार की हुई थी मौत। मतगणना को लेकर के चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइन, सेंटर पर आने वालों का आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जरूरी। चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के मुताबिक प्रत्याशियों, पोलिंग एजेंट्स के लिए टेस्ट रिपोर्ट जरूरी, काउंसिलिंग सेंटर के बाहर किसी भी तरह की भीड़ नहीं होगी। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर के डीआरडीओ का बड़ा फैसला, एम्स आरएमएल सफदरजंग समेत 4 अस्पताल में लगेंगे प्लांट। 10 मई तक दिल्ली के 4 अस्पतालों में लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट, एम्स झज्जर में भी 1 प्लांट लगाएगा डीआरडीओ। बरेली में बीजेपी विधायक केसर सिंह की कोरोना से मौत, विधायक के बेटे ने लगाया उचित इलाज न मिलने का आरोप। महाराष्ट्र में 1 मई से नहीं लगेगी कोरोना की वैक्सीन, महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, कहा युवा वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ न लगाएं। राजेश टोपे ने कहा पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन मिलने पर ही टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा, कोविन ऐप में एंट्री अनिवार्य रहेगी। महाराष्ट्र में 18 से 45 साल तक के लोगों को लगाई जाएगी फ्री वैक्सीन, वैक्सीनेशन के लिए 7500 करोड़ खर्च करेगी सरकार। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की मियाद बढ़ी, 15 दिन के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। अमृतसर में एनजीओ का सराहनीय पहल, एनजीओ की तरफ से रिक्शे वालों और ऑटो वालों को खिलाया जा रहा है मुफ्त खाना। पीएम ने एयरफोर्स के कोरोना ऑपरेशन का लिया जायजा, एयर चीफ मार्शल आरएस भदौरिया ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी। पीएम ने एयरफोर्स की तैयारियों की समीक्षा की, एयरफोर्स के जवान जरूरी उपकरण और ऑक्सीजन टैंकर को किया जा रहा है एयरलिफ्ट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में इंसानियत शर्मसार, साइकिल पर पत्नी का शव लेकर के घूमता रहा पति, गांव वालों ने नहीं करने दिया अंतिम संस्कार। आगरा के जेडी अस्पताल में तीमारदारों का हंगामा, ऑक्सीजन की कमी से महिला की मौत के बाद हंगामा। देश में कोरोना का विस्फोट जारी, बीते 24 घंटे में करीब 3,61,000 नए मामले सामने आए। देश में पहली बार एक दिन में 3,000 से ज्यादा मौतें, बीते 24 घंटे में 3,293 लोगों की मौत, कुल आंकड़ा 2 लाख के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी, बीते 24 घंटे में 29,824 नए मामले सामने आए, एक दिन में 266 लोगों की मौत। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के बीच कोरोना से रिकॉर्ड मौत, 24 घंटे में 381 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना की रफ्तार जारी, 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र में कोरोना के 66,300 नए मामले, 24 घंटे में 900 लोगों ने तोड़ा दम, लॉकडाउन के बावजूद प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी नहीं। मुंबई में कोरोना के 4,966 मामले सामने आए, 24 घंटे में 78 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम, शहर में रिकवरी रेट भी बढ़ा। गुजरात में कोरोना के 14,120 नए मामले, 174 लोगों की कोरोना से मौत, 8,595 मरीज ठीक हुए। नागपुर में थम नहीं रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 7,503 नए मरीज सामने आए, 102 लोगों की 24 घंटे में मौत। राजस्थान में कोरोना के 16,613 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 120 लोगों की कोरोना ने जान ली। पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, 24 घंटे में 16,400 से ज्यादा नए मामले, 73 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। बिहार में नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू, शादी में 50 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं। उत्तराखंड में 1 मई तक बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। दिल्ली में उपराज्यपाल को मिले पहले से ज्यादा अधिकार, नए अधिकारों को लेकर के केंद्र ने जारी की अधिसूचना, एलजी को भेजनी होगी केजरीवाल सरकार को हार्ड फाइल।
महाराष्ट्र रत्नागिरी में फार्मा कंपनी में धमाके के बाद आग, फार्मा कंपनी की फैक्ट्री के रिएक्टर में धमाका। मंदसौर में निकली अनोखी बारात, बिना बैंड बाजा बाराती के अकेला दुल्हनिया लेने निकला दूल्हा। बागपत में मेडिकल टीम पर हमला, 10 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद संक्रमितों को आइसोलेट करने पहुंची थी टीम, महिला डॉक्टर के साथ भी धक्का मुक्की। गोंडा में बदमाशों ने एक दिव्यांग महिला पर हमला किया, कुछ बदमाशों को अश्लीलता करने से रोकने पर महिला की पिटाई। वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर कंगना रनौत ने शेयर किया खास मैसेज, दो टूक कहा अफवाहों पर ना दे ध्यान, लगवाएं वैक्सीन।